आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आखिर इंसान क्या इतना कमजोर हो जाता है कि खुद अपनी जान ले ले, अपने परिवार वालों की जान ले ले, उन मासूम बच्चों की जान ले ले जो उस शख्स के कलेजे की ठंडक हुआ करते हैं। गाजियाबाद में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। आर्थिक तंगी या फिर यूं कहा जाए कि घरेलू कलह के चलते एक शख्स ने पहले अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद में अपनी एक पत्नी, और बताया ऐसा जा रहा है कि एक ऐसी महिला जो उसकी पत्नी के तरीके से उसके साथ में रहती थी, उन दोनों को लेकर के आठवीं मंजिल से एक बिल्डिंग से कूद जाता है और उसके बाद में मौत के आगोश में चला जाता है। हालांकि खबरें ऐसी भी है कि उस शख्स ने जब अपने दोनों बच्चों को मौत के आगोश में पहुंचाया, उसके बाद में उसने अपने रिश्तेदारों को फोन भी किया और बताया भी कि मैंने ये किया है और उसके बाद में अपनी जान भी देने के लिए जा रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा कहें या फिर किसी शख्स के जरिए किया गया इतना बड़ा क्राइम और अपराध, क्योंकि सुसाइड भी अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसी सिचुएशन में पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या आत्महत्या और हत्या के बीच में भी पुलिस कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जांच और तफ्तीश में पता चलेगा। मगर शुरुआती नजर में जो सुसाइड नोट मिला है, दीवारों पे जो बातें लिखी गई हैं, आर्थिक तंगी का जो हवाला दिया गया है, क्लेश गृह क्लेश का जो बातें सामने आ रही है, उससे फिलहाल तो यही लगता है कि आत्महत्या का यह पूरा मामला है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या कहा जा रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं, और पुलिस क्या कर रही है, आइए सुन लेते हैं। ठीक थे, सीधे लग रहे थे देखने में, सीधी फैमिली लग रही थी। बच्चे भी, मैं कहती है बच्चे अभी आए स्कूल से, अभी नहीं आए, कह रहे हाँ आंटी अभी आए। मैं कहा नीचे तो देखा नहीं कभी खेलते हुए, कह रहे स्कूल चला जाता हूँ आंटी में। अच्छा, सही है फैमिली भैया। आप काम करते थे? हाँ जी, मैं सुबह कूड़ा लेती हूँ यहाँ पे बाहर हाउसकीपिंग से। देखिए, कृष्णा अपरा सफायर है सोसाइटी, और इसका फ्लैट नंबर 805 है। इसमें आज सुबह सूचना मिली थी कि तीन लोगों ने आठवीं मंजिल से छलांग लगा दी है, और उसमें मौके पर पुलिस पहुंची तो दो मृत पाए गए और एक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच के बाद ये पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो उसकी दोनों पत्नियां थी, और लगभग डेढ़ महीने पहले ये यहाँ पर आए थे। फ्लैट को खोलकर देखा गया तो उसमें दो बच्चे और इनके मृत पाए गए हैं। आपने सर ये हादसा? एक 5:15 के करीब हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था बताइए? ये हम बैठा हुआ था, आवाज मिला, मैं दौड़ के गया तो देख रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर क्या देखा आपने? हमने वही देखा, तीन आदमी गिरा हुआ है, तो हमने यहाँ पर अपने सुपरवाइजर को बुलाया और उसका 100 नंबर पर कॉल किया, एम्बुलेंस आया। क्या करते थे ये? ये क्या करते थे ये हम बता नहीं सकते हैं, सोसाइटी में रहते थे। अच्छा, कौन से फ्लोर पर रहते हैं? 806 में। अच्छा, ये 806। तो सफाई करने वाली महिला से लेकर के आसपास के लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ देखा, सुना, समझा, वो आपने सुना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में गाजियाबाद की पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है वो क्या कह रही है, सुनते हैं। एक गुलशन बासदेव नाम के व्यक्ति थे, तो अपनी पत्नी और अपने परिवार की एक जो सदस्य रहती थी उनकी महिला और दो बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करते थे वो, और उनका पैसे में अपने परिवार के सदस्य जो कि उनके संज्ञान में आया है राकेश वर्मा और अन्य परिवार के लोग, उनसे कुछ पैसे का लेन देन था। सामूहिक रूप से इन लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और वो पैसा निकल नहीं पा रहा था, और आर्थिक मंदी के चक्कर में ये परेशान थे। ये इनको ये लग रहा था कि शायद मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है, और इसको चल करके ये फिर इन्होंने आर्थिक दिक्कत थी, आर्थिक तंगी थी, और आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने ये पहले बच्चों को मारा। मारने के बाद में इन्होंने तीन लोग अपने यहाँ पर जो बालकनी थी, बालकनी से कूद कर इन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या की है। जो लोग जिम्मेदार ठहराए हैं उनमें हम लोग तलाश कर रहे हैं, और डिटेन किया गया है कुछ लोगों को, शीघ्र ही हम लोग उनको पकड़ेंगे। जो भी इनके जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।